जनरली हमें क्या है, 2:30 को प्रेजेंटेशन करते हैं संडे को, बट इस बार थोड़ा सा मेरा कमिटमेंट रह गया, तो इसीलिए आज हम सैटरडे को रात को 9:30 बजे इसलिए हाइब्रिड एनालिसिस कर रहे हैं 9 दिसंबर का, ठीक है ना। सो दिस द वे, सोहम से चालू करते हैं। सोहम बताओ अभी आपका जो भी एंटायर एक्टिविटी जो लाइव में चल रहा है। हाँ सर, तो ये इस वीक के मेरे दो एनालाइज्ड स्टॉक्स हैं। एक आलोक इंडस्ट्रीज है जिसमें हम थोड़ी बड़ी क्वांटिटी के साथ एंट्री करेंगे, क्योंकि ये 22 रुपए का है और इसके टारगेट्स भी छोटे छोटे हैं दोनों। और दूसरा है टीरा सॉफ्टवेयर्स करके, जिसको हम 58 पे एंट्री करेंगे, 70 उसको एक बार एग्जिट करेंगे, उसके बाद देख सकते हैं 85 तक। ये इस बार के दो स्टॉक्स हैं। दूसरे में पटेल लॉजिस्टिक्स में अभी तक एंट्री बनी नहीं है और जेनेसिस कॉर्पोरेट में चल रहा है, बाकी सब मेरे टारगेट्स बुक हो चुके हैं। अभी लास्ट का जो आप टारगेट टोटल, ये जो एक्सेल शीट दिखाओ कैसे कहाँ पे है। अच्छा, इसका चार्ट तो जैसे दिखा रहे हो पहले वो दिखा दो। हाँ सर, ये आलोक इंडस्ट्रीज है, इसको हम यहाँ तक एक बार छोड़ ही देंगे, इन द सेंस वी वुड एग्जिट फर्स्ट टारगेट को। वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, ओके, परफेक्ट। और स्पेस दे दो। एक्चुअली ये इसमें नेट का थोड़ा इश्यू आ रहा है। ठीक है, बाकी जिसको जो बाकी दोनों लोग प्रेजेंट करेंगे वो अपना ऑलरेडी ओपन करके रखे रहे हो तो कोई इशू नहीं रहेगा। और ओवरऑल फिर पीएनएल और कैसे हुआ है? हाँ सो, तो ये पीएनएल मैंने कुछ पिछले हफ्ते में बुक नहीं किया है कोई स्टॉक्स, तो ये सब मेरे चल रहे हैं। ओवरऑल यही बन रहा है, कुछ चेंजेस नहीं है मेजर। अच्छा, 47.78 आपका खाली स्टॉक में ही बन रहा है, हाँ, स्विंग ट्रेडिंग में है स्विंग वही। ट्रेड में। तो ऑप्शन का डाटा इस बार रखा नहीं आपने, है ना? नहीं, वो अभी अपडेटेड नहीं है, उसका ओके, वो हाँ आने के बाद करेंगे। ठीक है, तो चलेगा। बट ओवरऑल आपका 47% का ग्रोथ अभी चल रहा है ना? हाँ ठीक है, ये 2 मंथ का डाटा है या 2-3 मंथ हो गया ना? नहीं, हाँ 7वें महीने से है ये। हाँ जुलाई कब से चालू हुआ है? जुलाई महीने से, हाँ जुलाई लास्ट जुलाई अगस्त, है, 23rd जुलाई या समथिंग हमने चालू किया था ना, अगस्त हाँ सितंबर अक्टूबर पांच नवंबर। महीने हाँ आज। हाँ ठीक, परफेक्ट। ठीक है, ये चार्ट आपका है ना? हाँ ये एक्चुअली उसमें ड्राइंग्स है बट ये लोड नहीं हो पा लोड रहा नहीं है। हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। अभी ओवरऑल आपका ये दोनों के साथ है, ठीक है, सभी लोग हाँ को दिख गया अभी। ओके डन, चलो गुड। फोर्टी ठीक, सेवन परसेंट फिर हाफ सेंचुरी मारना है मंडे को, है ना? हाँ मंडे को तो मार ही लेंगे, चलो ट्राई ठीक करेंगे। है, चलो ठीक है। विवेक अभी ज्वाइन नहीं किया, वो उसका 1 लाख प्रॉफिट भी टच कर लिया, तो शायद आप लोगों को कुछ नाश्ता पानी कराया होगा। चलो ठीक है, वेरी गुड, कंटिन्यू। नेक्स्ट डे कौन है? अभी प्रेजेंट करो। सर स्क्रीन दिख रही है? हाँ स्क्रीन आ गया। मैं जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं सभी लोगों को ऐसे ही बोल रहा हूँ कि आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करो और साथ साथ में आपका स्लो एंड स्टडी जैसे उनसे रहे तो आपको करते जाना है। चलो ठीक है, हाँ अभी स्क्रीन विजिबल है। हाँ ओके सर, तो ये मेरा एक स्टॉक है, एक ही है, SBI कार्ड पेमेंट। सर इसमें एंट्री 760 पे है और टारगेट 1790 और टारगेट 2 है मेरा 830 का सर। और अभी जो करंट है वो 759 पे सर, वो रनिंग कर रहा है, चल रहा है अभी। तो हाँ सर है कि यहाँ पे इसने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट
सपोर्ट यहाँ पे सपोर्ट पे है, और सर यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद सर एंट्री रहेगी, बाकी ये टारगेट वन और टारगेट टू रहेगा और ये स्टॉप लॉस रहेगा सर। तो यही है सर, ये स्टॉक है अगले वीक के लिए। ठीक है, और पिछले बार कुछ लिया था आपने? हाँ सर लिया था, आरती फार्मा में सर मैंने जैसे बताया था वो 460 पे फिर एंट्री बनाई थी मैंने टारगेट पे, तो उसमें सर मेरे को लगभग 6% का प्रॉफिट हुआ था, 480 के आसपास में निकल गया था सर, 480-488 कुछ सर। तो एक हुआ था, और होम फर्स्ट फाइनेंस में अभी हुआ है नहीं हुआ है? नहीं सर, उसमें एंट्री नहीं बन पाई थी। नहीं बन पाया, तो अभी एक ही हफ्ता हुआ है या कितना हफ्ता हो गया आपका? सर ये 22 तारीख से स्टार्ट किया है आज। अच्छा 22 तारीख हुआ, वो मेन 5 तारीख 26 तारीख उसमें सब ओवरऑल डाटा, मतलब ओवरऑल ओवरऑल सर ऐसा टोटल 11 स्टॉक मिले हैं। हाँ। और उसमें कुछ 7.47% प्रॉफिट है। ओके, तो ये 1 नवंबर मतलब 1 मंथ ही हुआ है, 1 मंथ 1 वीक हुआ है ना, 5 वीक। हाँ सर, ये बुक प्रॉफिट है। जी, ये बुक प्रॉफिट है सर, अभी जो करंट चल रहा है वो अलग है। नेशनल प्रॉफिट कितना चल रहा है? नेशनल में सर कुछ 1% 1.25% है ऐसा। हाँ ठीक है, तो आगे मैं बार बार सभी लोगों को बोलता हूँ, एक बुक प्रॉफिट एंड नॉशनल प्रॉफिट सब मिला के ओवरऑल अगर आज हम स्क्वायर अप करते हैं तो कितना चल रहा है, योर पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग आपका होना है, पोर्टफोलियो हेल्थ आपके पास होना चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो क्या है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, थोड़ा गूगल फाइनेंस का डाटा ले लो, तो डेली डेली आपको अपडेट करना नहीं पड़ेगा, ऑटो अपडेट होता रहेगा। ठीक है ना, चलो वेरी गुड बेटा, गुड, थैंक यू। हाँ, और उसके बाद और किसी को अभी प्रेजेंट करना है? मिस्टर कल्पेश शायद उनका नेटवर्क निकल गए हैं, और किसी को कोई प्रेजेंट करना है अभी? ध्रुव, चेतन, हाँ कल्पेश जी, हाँ कल्पेश जी प्रेजेंट कीजिए। देखो सभी के लिए मैं इसलिए ये इम्पोर्टेंट इसीलिए, जितना भी बिजी शेड्यूल हो मैं फिर भी मेक इट ए पॉइंट कि ये प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए, ये आपका सभी लोगों का फ्यूचर का एक्टिविटी है, जो जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। अभी देखो हाइब्रिड अप्रोच, हाइब्रिड जो एनालिसिस नॉट ओनली फॉर स्टॉक, हम उसके साथ साथ हमारा पोर्टफोलियो कैसे ग्रो करा पा रहे हैं थ्रू फ्यूचर एंड ऑप्शन, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, सब कुछ धीरे धीरे हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो हाँ आप सीधा गूगल क्रोम में जाइए कल्पेश जी। कोई बात नहीं, प्रेजेंट स्क्रीन करिए, आप पहली बार कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, प्रेजेंट स्क्रीन करेंगे ना तो एंटायर स्क्रीन कीजिए, जो प्रेजेंट स्क्रीन का बटन है राइट हैंड साइड जब जाएंगे प्रेजेंट एंटायर स्क्रीन। आ गए सर? हाँ आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ अब सीधा जाइए, चार्ट खोल दीजिए सीधा, वो हमें दिख जाएगा। नहीं अभी हैंग हो गया लग रहा है। हाँ आ रहा है, आ रहा है, इट्स कमिंग। हाँ परफेक्ट, हाँ कोई नहीं, यहाँ पे दिख रहा है आपका सर, अब तो फाइनेंस में है। हाँ, इसमें और दूसरा है IDFC बैंक। तो ड्राइंग आपने खुद ही सब कुछ बनाया? हाँ सर मैंने बनाया सब। वेरी गुड, सो एनालिसिस आपने किया, ठीक है परफेक्ट। ये IDFC बैंक का है सर, ठीक है। और जो JSW है सर उसका टारगेट आ गया दोनों। वेरी गुड, वेरी गुड, बताइए कहाँ एक्सेल में कहीं लिखे रखा है या कहीं कुछ प्लान किए के रखा है नोट करके? हाँ लिखा है। हाँ या तो चार्ट में बता दीजिए।
चार्ट भी बता देता हूँ सर, ये ठीक है आप दिखा दीजिए। हाँ और चार्ट है, चार्ट भी दिखा देता हूँ। आई आ गया, आपने थोड़ा छोटा कर दिया उसको, थोड़ा सा लेफ्ट को खींच देंगे ना वो बड़ा दिखेगा, उसका दिख नहीं रहा है इसीलिए, वो जो लाइन लिखा है ना उसको थोड़ा ये कर देगा, हट जाएगा। हाँ परफेक्ट, बहुत बढ़िया। इसका अभी चल रहा है लेकिन टारगेट दोनों आ गया सर, दोनों आ गया। तो इसको किस किस आधार पे आपने लिया था बताइए, क्योंकि ये सभी लोग जैसे आपके साथ हैं और मेरे हिसाब से आप बिल्कुल लैपटॉप फ्रेश पकड़ के चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको कैसे लग रहा है और ये कैसे लिया, किस आधार पे लिया था, तो सभी लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन होगा। पहले सपोर्ट रजिस्टर पे हरामी बुलिस बनी थी कैंडल, जब हम कैंडल चालू किया था ना तब लिए, उसका 2 महीना हो गया, 45 दिन हो गया इसका जब लिए, ट्रेड लिया था। यहाँ देखो वही ठीक है ना, तो 12% 13% ग्रो कर चुका है, 12% है अभी सर। ठीक है, तो बहुत दिन के बाद आप इतना अभी इस चीज को करके कैसे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा गेन हो रहा है इसमें? जी सर, जी सर। ठीक है, तो देखो जो आपने किया है, तो देखो कभी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो हमें अभी क्या करना है कि प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ उसको भी सोचना है, तो तभी जाके हम एनालिसिस कर पाए। जरूरी नहीं खाली लॉस होगा तो एनालिसिस करेंगे, हम प्रॉफिट भी एनालिसिस करेंगे, लॉस भी एनालिसिस करेंगे, दोनों के साथ चलते जाना है। वेरी गुड, कीप इट अप, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, स्टॉप शेयरिंग। हाँ मुदित, अभी और कोई है जो प्रेजेंट करेगा अभी, अदरवाइज वी विल एंड अप द सेशन। मुदित है आपका प्रेजेंटेशन या चेतन? हाँ वेरी गुड। हाँ श्याम मेटालिक्स में आपका है, एंट्री करना है या करने वाले कर चुके हैं? थोड़ा सा आवाज नहीं आ रहा है, चलो दिखा दो, अगर ऑडियो में कोई इशू है तो चेंज करते जाओ। हाँ कल्पेश जी म्यूट कर दो। हाँ अगर नहीं हो पा रहा है तो आप दिखाते जाओ, मैं बताते जा रहा हूँ, आप उसको दिखाते हो कि ये अभी आपने शायद लिया होगा। चेतन आपका स्क्रीन होल्ड हो गया। चेतन अगर मेरे सुन पा रहे हो मुझे, हेलो। हाँ अभी बोलो, आवाज आ रहा है। हाँ सर मैं ये मोबाइल में कर रहा था सर, उसका मेरे पास एक श्याम मेटल करके जो मैंने अभी देखा उसका वीकली में W पैटर्न बन रहा है, तो मेरा जो व्यू है ऊपर से मतलब ये जो व्यू है वो यहाँ से 60 पॉइंट का या 50 पॉइंट का होता है। ओके तो हम अभी उसके प्राइस चल रही है 514 के आसपास, तो मेरा व्यू है कि 570 के आजू बाजू हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, उसने अभी उसका हाई मतलब जो पहले का हाई था वो अभी उसने टारगेट तोड़ा है उसका, तो उसके बाद वो 570 या 580 तक जा सकता है। ठीक है परफेक्ट, और उसका ड्यूरेशन है 1 से 2 मंथ का। ठीक है ओके। अभी और कुछ है कमिंग वीक के लिए? नहीं सर ये अभी एक ही है सर, थोड़ा मैं बाहर हूँ इसलिए मैं मोबाइल में ही बता रहा हूँ। कोई बात नहीं, आपने ज्वाइन किया प्रेजेंट किया दैट्स ग्रेट, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, ये चलता रहेगा क्योंकि मैं भी अनशेड्यूल प्लान किया था। एनीवे वे जॉइंट, और पुराना अभी तक क्या है स्टेटस, अभी तक जो खाली भर वाली बिना देखा है बता सकते हो अभी क्या है, अभी तक जितना स्विंग किया है सर? अभी तो मैंने स्विंग के लिए ट्रेड ले चुका हूँ। हाँ अभी 2-3 दिन पहले, और पिछले 3 दिन पहले मैंने एक NBCC और एक NSPC करके लिया था।
तो उसमें मैंने 5% का रिटर्न लिया था ओके एक दिन में। हाँ ओके ग्रेट, सर, ठीक है। तो रैली भी और पकड़ ये, लिया। हाँ हाँ सर, मैं अभी मंडे के दिन आऊँगा, उस टाइम पे मैं बता दूंगा आपको। चलो ठीक है, और परफेक्ट, ठीक। पिछले दिन में जो वॉल्यूम है सर, वो भी बहुत अच्छा हुआ है, तो हम इसमें टारगेट 50% का तो रख सकते हैं। जो मैंने अभी 68% का, सॉरी 68 पॉइंट का लिया है, तो मैं हाँ वहाँ पे आगे से ऊपर का 50 पॉइंट का तो ले सकते हैं हम टारगेट। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। तो उतना हम कर ही सकते हैं, ठीक है। अराउंड 50% का टारगेट रहेगा, परफेक्ट। चलो गुड। हाँ चलो तो उसके लिए ओके क्या है ना, सर, जैसे आप थैंक कर रहे हो ना, उसी तरह का सिस्टमेटिक प्लान करके चलो, स्लो एंड स्टेडी जैसे चल रहा है वो चलते रहना। बी इन टच, जब भी बिजी भी होते हो मेरे पे स्टिल, जैसे जैसे होता है एक्टिविटी उसमें जुड़े रहना, ठीक है ना। यू चलिए सर, ठीक, ठीक है। थैंक हाँ यू चलो चलो गुड, स्टॉप शेयरिंग। और अभी जो ज्वाइन किया, केयूर और मुदित, कोई प्रेजेंट करने वाला है? सर। मैंने वो अनशेड्यूल होने के कारण एक्सेल नहीं बनाया है, लेकिन अराउंड 14% के रिटर्न्स आ रहे हैं, मैं आपको कल दिखाता हूँ बना के। सर चलो ग्रेट ग्रेट, कोई बात नहीं। कल तो फंडामेंटल आपका 3 बजे से 6 साढ़े 6 तक होगा, बट ओवरऑल आपकी ग्रोथ हो रहा है अराउंड ना, अभी 14% का रिटर्न आ रहा है। 14-15% आ रहा है। यस सर, चलो ठीक है, तो उसी का करो, धीरे धीरे उसको करते रहो। फिर हम लोग इंट्राडे स्टॉक का जो प्लान कर रहे थे वो भी करेंगे, ऑप्शन सब कुछ प्लान करेंगे। अभी फॉर द टाइम जितना चल रहा है ओके उसको सर, करते रहो, ठीक है ना। ओके ग्रेट, जी जी सर। ठीक है। केवर आपके पास है कोई प्रेजेंटेशन? सर अभी मैं थोड़ा बाहर आया हूँ, तो मैं ओके थोड़ा ठीक फोन से, वो भी तो कल है, मैं कब चलो दिखा दूंगा। कोई बात नहीं। मैं कल थोड़ा अवेलेबल नहीं रहूंगा, इसीलिए शेड्यूल किया है। बट ओवरऑल कैसा ग्रोथ है आपका? सो ठीक है। सो ये अभी जो प्लान है सभी लोगों के लिए अच्छा है, इट्स ए गुड एक्टिविटी कि सभी लोग कर पा रहे हैं। और नीरव और बाकी जो थोड़ा सा अभी कॉन्फिडेंस अभी बहुत सारे लोगों का जैसे अभी बोलने के, और थोड़ा सा करना है तो 1-to-1 हम डिस्कस कर सकते हैं, बाकी क्लास में भी जैसे सेशन में भी वो भी प्लान कर लेंगे, ठीक है। सो अभी किसी को कोई प्रेशर में नहीं आना है कि सभी लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है। सभी का इंडिविजुअल एक्टिविटी अलग अलग है, सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। कुछ लोग ऑप्शन में भी कर रहे हैं, कुछ लोग स्टॉक में भी कर रहे हैं, और आप अभी पुराने स्टूडेंट के साथ भी मिक्स हो जाएंगे तो उसी हिसाब से रहेगा। और इस बार जैसे ट्यूसडे थर्सडे को हम प्लान कर रहे थे, सो ट्यूसडे थर्सडे नहीं के वेंसडे एंड थर्सडे को हमारा सेशन रहेगा, सर ठीक है। हाँ भरत, आपको कुछ प्रेजेंट करना है या बोलना है? हाँ भरत, कुछ बोलने वाले हो? ये अनम्यूट हो गया था गलती से। हाँ बोलो। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं था। चलो ठीक है, ठीक है, ओके। सो सभी लोगों का जो है ना, सभी लोग अपने हिसाब से प्लान करो जैसे जैसे अभी कर रहे हैं। किसी को कुछ ऐसा पूछना है एनीथिंग, क्योंकि फिर मंडे को जो भी एक्टिविटी आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैंने अल्फा बाय अल्फा सेल का किया था, वो भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हुआ सभी लोगों का? हाँ सर, टेस्टिंग कर रहे हैं उसका। टेस्टिंग चल रहा है थोड़ा सा अभी। कैसा अभी रेशियो कैसे दिख रहा है नीरव, जो भी आप प्लान कर रहे हो? सर मतलब इसमें अभी तो जो कुछ स्टॉक्स हैं उसमें तो जैसे एंट्री बन रही, पर जैसे अपने 0.7 का आप जो बोल रहे हो ना, हाँ, उसमें मतलब काफी कम स्टॉक्स हैं जो ओके 0.7, मतलब 0.3 या 0.4 में अपना को निकलना पड़ेगा, अदरवाइज अपना एसएल हो जाता है 8। ठीक है, तो उसको करो ना, उसको प्लान आउट करो उस तरह का। एक बार करके हाँ आपको अगर 80% अबव रेशियो मिल रहा है, सो दिस इज ओपन है, ओपन जी है। आप अभी मतलब मैं आपको बताया जी वैसा होता है, ठीक है। और हम लाइव में करेंगे, सर, जैसे इस बार मैं बताया ना ट्यूसडे थर्सडे को हमारा प्लान है, बट ट्यूसडे थर्सडे नहीं होगा इस बार, इस वीक के लिए, ओनली फॉर दिस वीक। वेंसडे एंड थर्सडे दोनों दिन हम करेंगे, अराउंड 8:45, 9 o'clock to 2 o'clock, पूरा कंटिन्यूअसली उसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो उससे पता चला है, उससे पहले आपको कल का दिन, आज कल मंडे ट्यूसडे तक आपके पास 3 से 4 दिन आपको मिल रहा है, पूरा उसको स्टडी करो, बैक टेस्ट करो, और फॉरवर्ड टेस्ट मतलब लाइव मार्केट में मंडे ट्यूसडे दोनों दिन करो, ठीक जी है। और उसको पेपर मोड में ले लो, फिर उसके बाद हम लाइव करेंगे, जैसे सक्सेसफुली आपका हो जाएगा रियल पूरा। जी सर, बट मंडे टू फ्राइडे आपका फॉरवर्ड टेस्ट होना चाहिए लाइव मार्केट में, जी
ठीक है ना, तो वो करेंगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर हमें ऑप्शन एंड बाकी ऑप्शन सेलिंग और डिटेल में जाएंगे आगे। जी सर। ठीक है, और किसी को कोई है तो बताओ, अदरवाइज वी एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, सो विल वाइंड अप सेशन हियर, और कल आप फंडामेंटल के लिए 3 से 6:30 या 7 तक जय किशन सर के साथ बैठोगे, और एज मच एज पॉसिबल आप थोड़ा सा कोशिश करो उनको जितना भी आपका डाउट्स क्वेश्चंस जो है उसमें एंगेज करने के लिए। ठीक है ना, चलो ओके, थैंक यू, गुड नाइट एवरीबॉडी।